नोटिस हुआ है परिवाद पत्र संख्या 582/2021 में। क्या आदेश 2020 में कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश था, सम्मन किया गया था वीडियो मकामा और सीओ मकामा के विरुद्ध कि न्यायालय में उपस्थित हों, लेकिन सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए। अवेलेबल वारंट गया, नॉन अवेलेबल वारंट गया, तब भी उपस्थित नहीं हुए। जब समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से उनके वारंट का जो है खबर छपा, तब आज न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आए हैं। ये अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, एक बुजुर्ग परिवादी के साथ मारपीट किए और बगैर मुआवजा दिए उसके खेत में जो है काम स्टार्ट किए और परिवादी से रिश्वत का भी मांग किए कि 10% हमको जो मुआवजा राशि फोर लाइन में गया जमीन का उसका मिलना चाहिए, और नहीं देने के कारण मूल रूप से ऐसा घटना की। वीडियो सीओ का नाम क्या है सर? वीडियो का नाम मनोज कुमार और सीओ का नाम राम प्रवेश राम। तो अभी वर्तमान में दोनों मुकामा में है क्या? नहीं, एक मुकामा में है वीडियो और सीओ का स्थानांतरण हो गया है, ऐसा जानकारी मिला है कि अभी वो निलंबित हैं अपने कुकृत के चलते। तो क्या कोर्ट में क्या लगता है कि अब गैर जमानती वारंट है तो वारंट जारी होगा, आगे क्या होगा? गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी ये लोग उपस्थित नहीं होते, इसलिए कि प्रशासन इनके मेल में था और इनको गिरफ्तार नहीं कर सका, आज तक नहीं गिरफ्तार कर सका। लेकिन जब मीडिया द्वारा इस बात का उछाला गया तो आज न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आए। क्या लगता है कि आगे क्या होगा? अब आगे तो न्यायालय से हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा परिवादी का, और न्याय मिलेगा परिवादी का। सरेंडर करते तो बिल मिल जाएगा क्या? अब तो कोर्ट का जुडिक्शन है, कोर्ट अपने स्तर से जो उचित समझेगा आदेश पारित करेगा। ठीक, विवादित होना पड़ा ये इसमें आज ही हमको भी पता चला था कि 2020 में के अक्टूबर महीने में जब नया वाला एनएच मकामा में बन रहा था तो उस समय इन लोगों के द्वारा वहाँ पर जेसीबी जा लाकर काम को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी सिलसिले में मैं और अंचलाधिकारी और तत्कालीन SHO मोकामा अपने पूरे दल बल के साथ गए थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई नहीं थी, काम को फिर से शुरू किया गया था। लेकिन मुझ पर FIR हुआ है, इस संबंध में मुझे आज तक कोई जानकारी थी नहीं। कल जब कोर्ट से वारंट आया तभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। इस संबंध में न तो कुछ समन मिला, न नोटिस मिला था कभी, न थाना को पता था, तो मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था। तो इसलिए आज अचानक आकर बेल के लिए अप्लाई किए और बेल मिल गया।